दुर्ग जिले के धमदा नगर पंचायत क्षेत्र के वार्डों में पानी की समस्या सहित अन्य मांगों को लेकर फ्रेश ब्लड क्लब के तत्वावधान में रैली निकालकर वार्ड वासियों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मटकी फोड़कर अनोखा प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि नल जल योजना के अंतर्गत शिवनाथ नदी से धमदा नगर में करोड़ों रुपए खर्च कर पानी की सप्लाई की जा रही है। वहीं बेतहाशा पानी को रोकने स्थानीय प्रशासन के पास कोई कार्य योजना नहीं है। आप धमदा नगर पंचायत इलाके में पानी की समस्या को लेकर फ्रेश ब्लड क्लब के जागरूक मतदाताओं ने बड़ी संख्या में महिलाओं ने शीतला माता मंदिर से रैली की शक्ल में कार्य नगर पंचायत पहुँचे। महिलाओं ने मटकी फोड़ कर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। बताना चाहेंगे कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर एक सप्ताह में सभी कार्य दुरुस्त करने की मांग रखी गई है। यदि मांग पूरी नहीं हुई तो पूरा धमदा शहर पेयजल बाध्य करने के बाद तालाबंदी करने के लिए भी बाध्य होगा। नाव मालडा में पानी बहुत कम है, 15 वार्ड में पानी नहीं आ रहे हैं। का शिकायत लेकर आए हैं? हम पानी शिकायत लेकर आए हैं। हमारा 12 के 11 है, जब तक धमदम 15 वार्ड है, 15 वार्ड में नल लगाए हैं, नल लगा के बस में पानी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो हम क्या करें हम लोग हैं? पानी की व्यवस्था में वो लोग मांगा तो दौड़ दौड़ के बांगा बटलो इधर के खार में जाते हैं, बाहर में पानी नाना थे, सबसे नान नान के अपन जिंदगी चलाते हैं पानी पी पी के, तब उसका सुविधा नहीं कर सके। नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, अधिकारी हैं। यहाँ पिछले 15-20 सालों से पानी का जो व्यवस्था है बहुत गंदा तरीका से व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था, जिसके लिए हम हमेशा सरल रूप से आवेदन देते थे नगर पंचायत में अधिकारियों को, लेकिन यहाँ के ना तो अधिकारी कभी ध्यान दिए ना प्रतिनिधि कभी इसको इस समस्या के ऊपर कोई ध्यान दिया गया। यहाँ मूलभूत सुविधा है जल, जो नदियाँ नदी से आ रहा है पानी, उसके बाद भी लोगों को मतलब पानी पहुँच नहीं पा रहा है, मतलब समान व्यवस्था नहीं हो पा रहा है पानी का, किसी को ज़्यादा सुविधा मिल रहा है, किसी को कम सुविधा मिल रहा है, ऐसा भेदभाव। अब अगली कदम अब सीधा नल टंकी में ताला लगाएंगे, पूरा धमदा नगर में पानी जो व्यवस्था जहाँ से सप्लाई होता है उसको बंद करेंगे, आगे का योजना यही रहेगा। धमदा नगर की निचली बस्ती कहा जाने वाले जगह में जो कि तमेरपारा बोलते हैं, वार्ड 13, 14, 15, इन 13, 14, 15 में पानी की सबसे बड़ी किल्लत है, जिसको लेकर आज नगरवासी उस वार्डवासी लोग आज धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे हम लोग नगर पंचायत, और सीएमओ मैडम को 4 सूत्री मांगों पर ज्ञापन दिया। आज वो सब जल के पूरा राख हो गया, वो उनका योजना जल के पूरा राख हो गई है। वो हम लोगों ने 4 सूत्री मांग इसलिए दिया है कि एक तो जल की प्रॉपर व्यवस्था किया जाए धमदा नगर में, दूसरा निचले बस्ती में जो जल नहीं पहुंच पा रहा है उनका व्यवस्था किया जाए, तीसरा ये कि जल के व्यवस्थापन को लेकर किन्हीं को जल ज़्यादा मिल जा रहा है, किन्हीं को कम मिल जा रहा है, और उससे होने वाले विवाद से कैसे बचें, उस कारण हमको आज सचेत कराने सीएमओ अधिकारी के पास आए थे, नगर पंचायत अधिकारियों पर। पानी की समस्या को लेकर आए थे आम पब्लिक, और हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता यही रहती है कि हम मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसको प्रदान करें हम लोग, और जो ये इन लोग जो 4 पॉइंट में लेके आए हैं इस अभी इन लोग मेरे को दिए हैं ज्ञापन, और मैंने तुरंत टीम गठित कर भी लिया है, और टीम जो टीम गठित की हूँ वो टीम निरीक्षण के पश्चात जांच प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हम लोगों के तो आइडिया में नहीं था कि पानी की बर्बादी हो रही है, पर आज आम पब्लिक लेके आए इन समस्याओं को, तो मैं बिल्कुल सर्वोच्च प्राथमिकता से इन जो भी समस्याएं हैं उन पे बिल्कुल मैं निराकरण करने की कोशिश करती हूँ। NDCN न्यूज़ के लिए धमदा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।